गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से पुलिस ने 30 किलो गांजा बरामद किया है। इस गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। देखिए, थाना इंदिरापुरम द्वारा तत्परता दिखाते हुए कल चेकिंग के दौरान इन लोगों को पकड़ा गया है और इनमें से 2 लोग जो हैं वो उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये उड़ीसा से ही गांजा, हाई क्वालिटी गांजा लेकर आते थे गाजियाबाद और NCR क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो जब ये अपना जो सामान ये लोग लेकर आए थे एज म्यूल्स, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो जिस बंदे को ये देने आए थे उस बंदे के साथ इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका एक और साथी था जो मौके से फरार हो गया, क्योंकि टीम जब चेकिंग करने लगी, घेराबंदी करने लगी, तो मौके से फरार हो गया और इनके पास से करीब 30 किलो गांजा बरामद किया गया है। ये जो अमन है, ये उड़ीसा के बंदे, ये कब से काम कर रहे थे गाजियाबाद में? देखिए, ये तो अमन और ये लोग हैं, ये इनका एक साथी है उड़ीसा का, जो मेन इनका बॉस या फिर सप्लायर होगा, उसके लिए काम करते रहे हैं और गाजियाबाद में आके और NCR क्षेत्र में बेसिकली आके अपना सामान डिलीवर करते थे। आपराधिक इतिहास तो देखिए अभी खंगाला जा रहा है इनका और आगे की जितनी भी फॉरवर्ड लिंकेज हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई होती थी, कहाँ कहाँ सप्लाई आती है, ये सारी जानकारी अभी ली जा रही है इनसे।